लेकर चलते हैं एजुकेशन कॉन्क्लेव भारत 24 और फर्स्ट इंडिया की तरफ से जिसका आयोजन किया रहा है जयपुर की मैरियट होटल के कार्यक्रम का ये सीधा प्रसारण आपको दिखा हमारे बीच पहुंचे हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगी जगदीश चंद्रा सर से और हमारे अतिथियों से सम्मानीय मंच से लैंप लाइटिंग के लिए सर कृपया आगे आए और दीप प्रज्वलन के साथ शुरुआत करते हैं। दीप प्रज्वलन जो किसी भी कार्यक्रम की शान होती है और वो इसलिए भी क्योंकि जब दीप प्रज्वलन किया जाता है तो ये कहा जाता है हर तरह की नेगेटिविटी इसके साथ खत्म होती है। तो उम्मीद है इस कार्यक्रम की हर नेगेटिविटी हर गलत चीज़ खत्म हो और दीप प्रज्वलन के साथ में हम आगे बढ़ें। धन्यवाद आप सभी का। और अब चलिए बात करते हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ मैरियट के साथ साथ भारत 24 जो हमारा नया क्रिएशन है उसकी ओर से राजस्थान में तो सभी मानते हैं कि हम सरकारी चैनल हैं और हमें कहने में कोई संकोच नहीं है। अभी गहलोत साहब ने भी एक पब्लिक मीटिंग में कहा कि तो खुद ही कहते हैं वो चला रहे हैं कि आज वीडियो अच्छा चलाएंगे। हाँ तो विषय तो है शिक्षा का और बात सरकार के प्रयासों की, इसलिए मैंने वो बात आपसे कही पहले वाली जो है। तो पहले वाली बात की थोड़ी व्याख्या कर देता हूँ मैं कल सब दो मिनट के लिए केवल जो है वो ये है कि हर संस्था की मीडिया हाउस की अपनी एडिटोरियल पॉलिसी होती है। तो हमारी जो एडिटोरियल पॉलिसी है, अभी हमने दिल्ली में चैनल खोला तो एक बड़े आदमी ने बुलाया हमको और कहा अभी क्या रहेगी आपकी एडिटोरियल पॉलिसी। हमने कहा हमारी एडिटोरियल पॉलिसी ये है कि हम सबसे बड़े सरकार समर्थक चैनल के रूप में सामने आते हैं और इसके साथ ही खबरों की दुनिया में सबसे आगे होते हैं। तो उन्होंने कहा राजस्थान में तो गहलोत साहब को देखते हैं आपके यहाँ। मैंने कहा दिल्ली में श्री नरेंद्र मोदी को देखेंगे, क्लैरिटी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो जैसे राजस्थान में क्लैरिटी है और गहलोत साहब ये शायद देश का पहला चैनल है सरकारी होते हुए भी लोकप्रिय है। सरकारी एक भाषा एक सिंबल है जो मैं कहता हूँ जिसको जो है, ऐसा नहीं सरकार ने कोई स्टेक नहीं हो तो ठीक है आप विज्ञापन देते हैं सरकार समर्थन देती है उनका आशीर्वाद है जो है। तो क्यों खबरों से बनता है जो है, तो ये स्थिति भारत 24 के हैं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि पहले एक सरकारी चैनल आपकी नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए था, अब क्या एजुकेशन के प्रचार प्रसार के लिए दो सरकारी चैनल आज आपके पास है। आप इस कैसे मान लीजिए जो है। और रही बात सरकार की शिक्षा की तो अद्भुत काम हुआ है इन चार सालों में, पाँच सालों में, साढ़े चार साल में। और चांस की बात है कि दोनों मंत्रीगण साइलेंट वर्कर हैं, साइलेंट एफिशिएंसी जिसे कहते हैं। और कभी आप इन लोगों के साथ बैठ जाएं 15 मिनट और जो उपलब्धियां हैं सरकार की इस दौरान, जो रिफॉर्म्स हैं रादर उपलब्धियों के बजाय जो है अद्भुत हैं। और मेरी स्पष्ट मान्यता है कि अगर कम बैक का या सरकार रिपीट करने का गहलोत साहब का सपना पूरा हुआ दिसंबर में तो बहुत बड़ा श्रेय आप दोनों को जाएगा, शिक्षा को जाएगा। ग्रास रूट पे रिफॉर्म हुए हैं और शिक्षा तो देखो गांव गांव से लेके, और कल्ला साहब के लिए तो अभी हायर एजुकेशन है तो यहाँ सिर दर्द कंपेरेटिवली कम रहता है। कल्ला साहब के यहाँ तो विभाग है उनके पास में, तो शायद पहले मंत्री ऐसे होंगे मेरे ख्याल से शिक्षा में जिनके ज़्यादा तनाव नहीं रहता, इसका कोई विवाद नहीं हुए, कोई झगड़े नहीं हुए,
अब बस कुछ वो जगह ही ऐसी है शिक्षा जो कल्ला साहब पास है वो शिक्षा का भाग जो है। तो निकल गए 5 साल, रिफॉर्म भी किए, लोकप्रिय भी रहे, कोई मेजर कंट्रोवर्सी भी नहीं हुई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों ने ऐसे काम किए कि एक पल के लिए अगर सरकार नहीं भी आए तो भी लंबे समय तक आप दोनों को याद किया जाएगा उसके लिए, उस रिफॉर्म के लिए, उन प्रयासों के लिए। और अभी तो बहुत समय पड़ा है, तो हम पूरे तौर पर समर्पित हैं आपके रिफॉर्म्स को। शिक्षा के क्षेत्र में आप जो शिक्षाविद आए हुए हैं उनसे मेरा आग्रह है कि सरकार के साथ साथ आप लोगों ने कुछ अच्छे काम किए अपने इंस्टीट्यूशन में, कोई रिफॉर्म्स किए हैं, कोई और इस तरह के सुधार किए हैं, तो आप बताइए, हमारे पास आइए। हमारे नौजवान एडिटर बैठे हैं, पूरी टीम है यहाँ पे जो है लोगों की, ऐश्वर्य है और सब लोग हैं, शिक्षा देखते हैं जो डिम्पल है, सब हैं जो है भारत है। तो बताइए आप उनको, हम पूरे तौर पे जैसे सरकार का हम सपोर्ट करते हैं मेरिट पे, ऐसे हम आपकी योजनाओं को भी जनता तक, आम तक, यश तक जिसे कहते हैं, यश मिलना चाहिए वो हम सब देंगे। शिक्षा के सुधार के लिए हम, आप और सरकार तीनों एक साथ हैं और मिलकर काम करना चाहते हैं। बस इन्हीं दो शब्दों के साथ आपको यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेषतः मंत्रीगण जी का धन्यवाद, और इस विश्वास के साथ कि शिक्षा का यह जो चक्र है विकास का, डेवलपमेंट जो है, ये आगे इसी तरह जारी रहेगा और इस यात्रा में हम भी कहीं ना कहीं खड़े आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।